नमस्कार दैनिक शिवचाय में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ। समय पलोड़ा में जहां पर आप देख रहे हैं यहां के लोकल यूथ द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है राहुल गांधी की 12 जोड़ो यात्रा को लेकर, क्योंकि हमारा काम है जहां पर भी इस तरह की जनता में बुलाती है खबरें, तो हमें काम है हमारा उन खबरों तक आपको लाना, क्योंकि हम टिप्पणी तो नहीं करते ना ही कोई फैसला सुना सकते हैं, पर हमारा काम है आम जन जन की आवाज़ आप तक लाना, यूथ की आवाज़ को लाना। जहाँ एक तरफ यूथ ये कह रहा था कि राहुल गांधी जिस विजन को लेकर चले हैं कि बेरोजगारी को, और आम जनता कह रही थी महंगाई के मुद्दों को लेकर चले, वहीं दूसरी तरफ भाजपा लगातार कटाक्ष कर रही थी कि अब आज कांग्रेस पार्टी को याद आ रहा है 12 जोड़ो यात्रा को लेकर, और जिन्होंने कांग्रेस यानी कि जिस पार्टी ने देश को तोड़ा, विभाजन किया, आज वही पार्टी देश जोड़ने की बात करने हमारे जम्मू कश्मीर में आई है। उसी के चलते इस समय आप जो देख रहे हैं यहाँ पर माफ़ी मांगो माफ़ी मांगो, आखिर किस चीज़ की माफ़ी मांगनी है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ जो इनके बैनर है, भारत का विभाजन, कश्मीर का विभाजन, शिमला समझौता विश्वासघात, 1990 में कश्मीर से जगमोहन को याद कर रहे हैं, अमरनाथ यात्रा, आतंकी हमला, डोडा नरसिंहार, किश्तवाड़ नरसिंहार, 1999 में कश्मीरी पंडितों का पलायन, 1998 में कश्मीरी पंडितों का पलायन, और साथ ही साथ 2000 में अमरनाथ तीर्थ यात्रा हत्याकांड, 2003 नदी मार्ग नरसिंहार, 2006 डोडा नरसिंहार, यानी सारी इन चीजों का जिम्मेदार कांग्रेस और ठहरा रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो माफी मांगो। आज आप यूथ है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, आप प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं ये बताइए पहले कि क्या जो राहुल गांधी विजन लेकर कर रहे हैं उसके खिलाफ कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं? हम पूरी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, जो इनके पिछले पूर्वज थे, जो इनके बाप दादा थे, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी जिनके टाइम था 90s में, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में नरसंहार किया था, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाल दिया था, जो अपने कश्मीर से जो मंदिरों का शहर है, उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला साहब उनको शंकराचार्य से कंपेयर कर रहे हैं, जिस शंकराचार्य ने कश्मीर में मंदिर बसाए थे कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक, उस कश्मीर से उन राम बोलने वाले पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाला उनके घरों से। और आज बात करते हैं भारत जोड़ने की, वो भारत जोड़ रहे हैं जो इन्होंने 1947 से तोड़ा, जिस रियासत के राजा ने अपना देश अपना ये रियासत हिंदुस्तान को दी, उसी देश के राजा को इन्होंने जम्मू से बाहर निकाला, और उन्होंने अपने आखिरी सांस भी जम्मू से बाहर ली, तो ये देश को कैसे जोड़ सकते हैं जिन्होंने हमेशा अपने देश को तोड़ा है, क्या कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, कश्मीरी पंडितों को इन्होंने इतना दूर रखा है अपने घरों से हमेशा, और आज उनके बात करते हैं कि उनको वापस दे देंगे, जब इनकी सरकार थी तब क्यों नहीं दी है इन्होंने वापस इस देश को। कांग्रेस तो लगातार कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो परिवार है उन्होंने देश के लिए शहादतें दी है, राहुल गांधी का कहना उन्होंने राजीव गांधी जी के चिथड़े उड़ते देखा है, जो इंदिरा गांधी जी है उनके परिवार ने देखा उन्हें किस तरह से 32 गोलियां उनको खानी पड़ी, तो शहीदियां दी है, तो आप किस तरह से कह रहे हैं सारी? क्या उनके परिवार ने जो शहीदी जो मृत्यु लोगों की हुई है उनकी उनकी बात की है उन्होंने? कश्मीरों में लाखों लोग मार दिए गए, जम्मू में लाखों, उधमपुर में भी लास्ट में 1990 में समथिंग में जब इन्होंने उधमपुर के लोगों को वहां से निकाल दिया था, वहां पे भी नरसंहार हुए थे, क्या उनके इन्होंने मांगे हैं किसके खून के हाथ रंगे हैं? इन्होंने बताया उस बारे में अपना परिवार पालने के लिए ना अपने परिवारों की जान दी है, लेकिन सिर्फ अपना परिवार ही पाला इन्होंने और देश नहीं पाला। आप क्या करते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं? यस, मैं जॉब करता हूँ। आपको क्या लगता है कि इस समय जो मुद्दा है बेरोजगारी है जम्मू कश्मीर? जी मैम, जम्मू कश्मीर में अभी तो चल रहा है काम, पर इनकी सरकार के दिए हुए महंगाई है, महंगाई मैम अभी तो नहीं है पहले, पर पहले टाइम में 2014 के टाइम पे अगर हम देश देखा जाए तो बहुत ही पिछड़ा था, और आज हम उस लोगों को भरने में शुरू कर रही है जो नई सरकार आई है। जी, जो बात मैं आपसे पूछ रही हूँ उसका सवाल दीजिए ना, मैं कह रही हूँ पहले के मुकाबले में आज में महंगाई कम हुई है या दरें बढ़ी है? ऑब्वियसली मैम, आज के टाइम पे बेशक कोरोना आया उसके बाद भी ये देश हमारा स्टेबल है एज कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज, आज हमारा देश तरक्की चल रहा है और कांग्रेस वो तरक्की देख नहीं पा रही, इसलिए इन्होंने महंगाई नहीं है। नो मैम, आज के डेट में नहीं है महंगाई, नहीं नो मैम, यानी जहाँ पे 400 कुछ रुपए का सिलेंडर मिलता था आज 1150 से ऊपर है, तो मैम आज के लोगों पे इनकम भी तो बढ़ रही है, टाइम के टाइम के अनुसार सब कुछ बढ़ा तो जा रहा है, अब तुम लोग बोलोगे कि अब देश बढ़ाना है आगे, तो फिर मैम चीजें भी बढ़ेंगी ना टाइम पे। राहुल गांधी की जो 12 जोड़ो यात्रा था क्या लगता था आपको, नहीं लगता जिन मुद्दों को लेकर, मुद्दे के पीछे का कारण कोई और था? नहीं, मुद्दे का पीछे कारण यही है कि देश को बढ़ता वो देख नहीं सकते, अगर देश बढ़ेगा गरीबी उठेगी तो लोग उसको वोट देंगे जो देश को बढ़ा रहा है। कहा कि इस यात्रा का राजनीतिक से कोई लेना देना नहीं है? मैम, इसका यात्रा का राजनीतिक से ही लेना देना, क्योंकि वो एक परिवार है जो अब खत्म होने के गगार पे है, तो उसको दोबारा उठाने के लिए, और वो जो
सिर्फ परिवारवाद चलाना चाहते हैं, उनका साथ भी जम्मू कश्मीर में वही परिवार दे रहा है जिन्होंने कश्मीर में 90s में किया था, वही परिवार उनका साथ दे रहा है। यूथ है, यूथ होने के नाते एक सवाल आपसे जरूर पूछेंगे, राजनीति से हटकर जो मुद्दे वो लेकर आए बेरोजगारी के, आज हमारे युवा जो हैं, युवा पीढ़ी ड्रग्स में इन्वॉल्व होती जा रही है, युवा पीढ़ी सुसाइड करती जा रही है, डिप्रेशन में जा रही है, इसी वजह से कि बेरोजगारी पीक पर है और महंगाई की मार से आम जनता जूझ रही है, क्या उनका कहना ये गलत था? मैम ये गलत तो नहीं है, पर कोरोना के बाद हमने सब कुछ स्टेबल तो हो रहा है, टाइम लगेगा हर एक चीज को स्टेबल होने में, तो वो चीज वो लेकर अगर चल रहे हैं तो उनकी पार्टी ने आज तक कितने रोजगार दिए हैं जेएनके, अगर हम उनकी पार्टी की बात भी मान ले टाइम पे, उन्होंने कितनी महंगाई सही की है हमारे लिए, था तो ये सब कुछ उससे पहले से ज्यादा था, अब चीजें स्टेबल हो रही है तो अब वो फिर से देश को तोड़ने में और फिर से स्टार्ट कर रहे हैं चीजें। नहीं आपको लगता है ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं? ये मैम भारत तोड़ो यात्रा है, भारत को बर्बाद करने की यात्रा है, जैसे इन्होंने पीओके खत्म किया, अगर ये कन्याकुमारी से अगर जेएनके के लिए 12 यूरो यात्रा शुरू होती है तो खत्म पीओके में होनी चाहिए, ना कि कश्मीर में होनी चाहिए, हमारे लिए पीओके भी हमारा देश का भारत है, वो खत्म वहां पर होनी चाहिए, ना कि कश्मीर में होनी चाहिए। भारत माता की जय। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के बलोड़ा के स्थानीय लोगों ने 12 जोड़ो यात्रा पर बहुत बड़े सवाल उठा दिए, और साथ ही साथ हमारा काम है जनाब सवाल पूछना कि आज के मुद्दे ये भी हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का मुद्दा, युवाओं ने कहा कि मुद्दे तो सही हैं पर राहुल गांधी का जो लक्ष्य वो कुछ और है, यानी भारत जोड़ने नहीं वो भारत तोड़ने आए हैं, पर सवाल बड़ा ये है कि जिन मुद्दों को वो लेकर आए वो मुद्दों को लेकर आप क्या कहते हैं? पार्टियां कोई भी हो जो आम जनता की बात करेगा, आम जनता के लिए आवाज उठाएगा, उन मुद्दों को जनता भली भांति समझती, हम ये नहीं कहती किसी पार्टी के लिए, हमारा काम है हर पार्टी के, चाहे वो आम युवा हो आम जनता, उनकी आवाज को आप तक लाना, वो हम करते हैं और करते रहेंगे। आपका इस वीडियो को देखकर क्या कहना है, क्या जिस तरह से प्रदर्शन हुआ क्या वाकई वो सही है, या जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए आज हमारे युवा भी उन मुद्दों से भटककर दूसरे मुद्दों पर आ रहे हैं? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे मर्ज अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।